नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में मंगलवार को सातवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक उद्यान AK सिंह और राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चौंगथू ने जल संरक्षण एवं जल जीवन हरियाली को ध्यान में रखते हुए कलश में जल अर्पण कर किया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की, जबकि BAU के कुलपति डॉ. DR सिंह के द्वारा आग्रह करने पर कुलाधिपति की स्वीकृति मिलने पर औपचारिक रूप से दीक्षांत समारोह की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान कुलाधिपति को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलपति और गणमान्य लोगों ने मखाना की हार पहनाकर स्वागत किया, जबकि राज्यपाल, कृषि मंत्री और ICAR के उप महानिदेशक को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. DR सिंह ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दीक्षा दी, जबकि कुलाधिपति द्वारा शपथ दिलाई गई। वहीं दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति और कृषि मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने बारी बारी से छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी। समारोह में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ कृषि के क्षेत्र में बच्चों के मन में रुचि पैदा करने के लिए कस्तूरबा बालिका प्राथमिक विद्यालय सबौर के छात्राओं को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया। वहीं अपने संबोधन में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के साथ युवाओं एवं अन्य छात्रों को नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनने पर जोर देने की बात कही। कुलाधिपति ने नई शिक्षा नीति को देश और युवाओं के हित में बताते हुए पढ़ लिख कर सर्विस सीकर बनने की बजाय सर्विस मेकर बनने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति समेत पूरी टीम को इस तरह के आयोजन के साथ देश और छात्रों के हित में नए नए शोध कर कृषि के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की बात कही। समारोह को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और उप महानिदेशक ICAR AK सिंह ने संबोधित करते हुए कृषि के क्षेत्र में जुड़ी कई बातों और इस दिशा में बेहतर कार्य कर युवाओं को एक अवसर प्रदान करने की बात कही। कुलपति डॉ. DR सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह के दौरान 980 छात्र छात्राओं और बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को उपाधि प्रदान की गई, जबकि 12 को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी, SSP, ADM, उप महापौर, सदर SDO समेत काफी संख्या में विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के अलावा गणमान्य लोग एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सातवां दीक्षांत समारोह के आप लोग खुद साक्षी रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा है कि दो कार्य ऐसे हम लोगों ने किए हैं जो अनोखे कार्य थे और संभवतः बिहार राज्य में ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा बिहार के विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को आज बुलाया था। हमारे दीक्षांत समारोह में वो बच्चे उस स्कूल से आए थे जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उस स्कूल को हमारे विश्वविद्यालय ने गोद ले लिया है और आज से उनकी शुरुआत एक दीक्षांत समारोह में भागीदारी के रूप में हुआ। पर्पज ये था कि वो बच्चे बैठ करके हमारे पूरा दीक्षांत समारोह की जो क्रियाकलाप है उसको देखें और जो भी बच्चों को आज गोल्ड मेडल मिला हमारे बच्चों को, विश्वविद्यालय के बच्चों को, वो उन्होंने भी उसको भी देखा तो उनके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि हमको भी एक दिन ऐसा बनना है, हमको पढ़ के आगे बढ़ना है कि हमको भी इस तरह का गोल्ड मेडल मिले। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था स्कूल गोद लेने का कि ऐसा कि आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया अपने भाषण में कि जो देश के सामने आज जो समस्या है कृषि में कि जो युवा पीढ़ी है कृषि के प्रति उतना रुचि नहीं ले रहा है, तो ये ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय का या सभी विश्वविद्यालयों का एक भूमिका होनी चाहिए कि कैसे इसके ऊपर किस तरह से कार्य किया जाए। बिहार राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय बिहार कृषि विद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिन्होंने जल अर्पण का कार्यक्रम आज किया इस दीक्षांत समारोह में। इसके जरिए हम एक मैसेज देना चाहते थे कि कैसे जल को कंजर्व किया जाए, यानी जल का संरक्षण किया जाए, यानी हमें जल को बचाना है। जल है तो कल है, तो उसकी हमने आज आपने देखा सभी लोगों ने कि हमने जल का कार्यक्रम रखा था, बचाने का कार्यक्रम रखा था और हम पूरे प्रदेश को, प्रदेशवासियों को इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जल को हमको बचा के रखना है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में मंगलवार को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने अनुकंपा धारकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान कुलपति और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, जबकि मोटा अनाज को प्राथमिकता देने के अभियान के तहत तैयार की गई तस्वीर भेंट की गई। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री ने BAU के कुलपति और पूरी टीम के प्रयासों और पहल की सराहना करते हुए कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी देना है और विभाग आने वाले दिनों में 9,000 बहाली निकालने की तैयारी में है, जबकि इसके अलावा खेती किसानी के साथ कृषि के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए नए शोध कर इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम को कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने संबोधित कर विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र देना था और हम लोगों ने कोविड के समय जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, मैंने कुलपति महोदय से आग्रह किया था कि कॉलेज में जिनकी मृत्यु हुई है स्टाफ की फैकल्टीज का, उसके परिवारों को नियुक्ति पत्र तुरंत देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है नौकरी। हम लोगों ने जो वादा किया है कि हम 10,00,000 नौकरियां देंगे, उसी का एक पार्ट है कि अनुकंपा के आधार पर जो ड्यू था उसको भी हम लोग दे रहे हैं। और एग्रीकल्चर में भी हमने 9,000 के करीब बहालियाँ BPSC और SSC को जो है देने के लिए, वैकेंसी निकालने के लिए हमने हैंडओवर किया है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। शिक्षक का आप देखे होंगे कि अब शिक्षक जो है कि बहाली अब कोई सिर्फ सरकारी फैसिलिटी की बहाली होगी, सरकारी नौकरियाँ ही होगी। इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और आज कॉलेज में हम आए हैं और छात्रों के बीच में जो है डिग्रियां देना था, अच्छा लगा, अपनी वो स्टूडेंट लाइफ याद आ गया। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जिले में देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित हाईवा बेकाबू होकर पुलिस गाड़ी से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी समेत एक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय थाना की मदद से सभी घायलों को भागलपुर के मायगंज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक ASI सतीश सिंह के अस्पताल में ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी पुलिस एक कैदी को लेकर भागलपुर सेंट्रल जेल छोड़ने के लिए आई थी। कैदी को सेंट्रल जेल में जमा कराने के बाद सभी पुलिसकर्मी स्कॉर्पियो में सवार होकर सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान पहले सुबह विक्रमशिला सेतु पार करने के बाद वह लोग जगतपुर पार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित हाईवा बेकाबू होकर स्कॉर्पियो से सीधी टकरा गई। इसके पहले कि उसमें सवार सभी पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, एक बड़ी घटना घट गई। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और सभी घायलों का मायगंज अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। भागलपुर स्थित व्यवहार न्यायालय के MP MLA कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में BJP प्रवक्ता सपूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, भीपुर से BJP विधायक इंजीनियर शैलेंद्र व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी आज कोर्ट पहुंचे, जहां मजिस्ट्रेट के सामने सभी का बयान दर्ज किया गया, जिसमें 17 अप्रैल को अगली तारीख रखी गई है। दरअसल 15 जून 2009 को नवगच्छा के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में सैयद शहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का पोस्टर लटका हुआ था, जिस पर उस दौरान मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे अर्शद फिरोज के द्वारा राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, विपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी पर चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आज गवाही की गई। 2009 का था, 326(9) जिसका था SCGM 1 के यहाँ, और आज स्टेटमेंट पे था, स्टेटमेंट आज हो गया। इसमें 4 अभियुक्त थे, मान्य हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, और हमारे मान्य विधायक शैलेंद्र इंजीनियर जी, और एक व्यास चौधरी, एक मंटू मोदी, 4 अभियुक्त इसमें था। चारों का स्टेटमेंट हो गया, 17 पे इसको जजमेंट पे रखा गया है। जितनी भी गवाही हुई, उस गवाही में जो कहता है कैलेंडर और उसमें फोटो युक्त था, किसी गवाही के द्वारा यह प्रूफ नहीं कराएगा, न कैलेंडर यहाँ उपस्थित किया गया और यह 17 पे जजमेंट के लिए रखा गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर की ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित लाल कोठी मोहल्ले में जल नल योजना का काम कर रहे संजू सिंह के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने यहां रखी प्लास्टिक की सैकड़ों डस्टबिन को अपने आगोश में ले लिया। वहीं यहां पर रखे बेंच और डेस्क भी पूरी तरह से राख हो गए। आग को देखकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरा गोदाम कुछ ही देर में राख में तब्दील हो गया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि कल कुछ चोर यहां पर चोरी कर रहे थे, जिनमें से एक चोर को पकड़कर लोग थाने ले गए थे, लेकिन थाने ने समझा बुझाकर मामले को दर्ज नहीं किया और चोर को थाने से ही छोड़ दिया गया। वहीं आसपास के लोगों को शक है कि कल पकड़ाए हुए चोरों के द्वारा ही आग लगाया गया होगा। वहीं अभी आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पा रहा है। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।